बिजनेस बढ़ता नहीं है, इसका मुख्य कारण ये है कि वो बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरा कहने का ये मतलब है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वो तो एक कुछ खुद काम कर रहा है, कुछ काम किसी से करवा के ले रहा है, कुछ काम डेलीगेट कर रहा है, ऐसे अलग अलग लेवल पर वो है, मगर वो काम कर रहा है। और चिल्लर बिजनेसमैन वाले जो है वो तो बोलते कि क्या सवेरे से शाम तक मैं बिल्कुल बहुत ही बिजी हूँ, बहुत टाइम चले गया, बहुत काम है, और आखिर में थक भाग के वो घर पे आता है रात को 8:30-9:30 बजे, खाना खा के सो जाता है। बिजनेसमैन का मेन टाइम तो जाएगा एक तो काम करने में, कुछ ना कुछ काम करता है वो एज ए वर्कर, या फिर वो फॉलोअप लेगा लोगों से, या फिर कोऑर्डिनेट करेगा लोगों को एक दूसरे के साथ में, या फिर ऑपरेशंस में लगा रहेगा। उसका टाइम जाता है बिजनेसमैन का, वो जाता है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी यहाँ से पैसा नहीं आता, एक्चुअली उसका टाइम जाना चाहिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जहाँ से पैसा आता है। तो फिर यदि बिजनेसमैन का टाइम जाना चाहिए नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से लेके रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो भी है जहाँ से पैसा आता नहीं है, वो एक्टिविटी किसी ना किसी को डेलीगेट करना चाहिए, किसी ना किसी को देना चाहिए, उसको उसमें ट्रेन करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर बिना फॉलोअप बिना कोऑर्डिनेशन वो काम कर सके। तो फिर उसके लिए एक सिस्टम है, वो सिस्टम है बस्ता, BSTA या BSTA एक्रोनिम में इसका लॉन्ग फॉर्म बताता हूँ मैं आपको। बी मतलब है बनाना, एस मतलब है सिखाना, टी मतलब है ट्रैकिंग करना, और ए मतलब है अकाउंटेबिलिटी। मतलब बनाना, सिखाना, ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, बस्ता। तो बनाना क्या है? बनाना मतलब वो प्रोसेस बनाना पड़ता है, एक सादी सिंपल बात है तो वो बनाना पड़ेगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना वो लिखना पड़ेगा। मतलब एक चाय बनाने की है तो चाय कैसे बनाना ये तो उसका तो मैनुअल रहना चाहिए ना, कि भाई कितना पानी लेना, कितना दूध लेना, गैस लाइटर से लगाना कि माचिस से लगाना, कितना उबालना, शक्कर कितनी डालना, चाय पत्ती की डालना, अदरक डालना कि नहीं डालना, छानना कप में देना कि मग्गे में देना, पूरा बनाना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो किसी को हाथ में पकड़ा दिया कि चाय ऐसी बनती है तो वो देख देख के पढ़ पढ़ के वो चाय बनाती, उसको आना चाहिए। नंबर एक बनाना। फिर उसको बनाने के बाद में प्रोसेस सिखाना पड़ेगा ना, किसको बना के दिया, लिख के दिया आपने, सिखाना पड़ेगा। तो सिखा के वो उसके ऊपर रट्टा मार रहा है, बहुत रट्टा मार रहा है जम के, और रट्टा मार मार के वो मुँह पाट कर रहा है। तो उसको मालूम है कि करना क्या है, डेफिनेटली थियोरी के लिए भी मालूम हो गया, और उसको फिर प्रैक्टिकली भी अपन ने करके उसको बताने का है कि देखो मैं भी कर रहा हूँ, अभी तू सीख। तो वो सिखाना हो गया, वो सीखने के बाद में अभी उसको करने लगा ना, और मैंने देखना कि वे बराबर कर रहा कि नहीं कर रहा, सिखाना। और फिर वो सीखने के बाद में अभी वो करना चालू करेगा, तो उसके बाद में होना ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रैक करना पड़ेगा उसकी एक्टिविटी, पीछा करना पड़ेगा कि बराबर कर रहा कि नहीं कर रहा है। जब तक उसको ये लगता है कि अपना कोई देखने वाला नहीं है, कोई वाली नहीं है, कोई ट्रैक करने वाला नहीं है, तो वो शॉर्टकट्स मारेगा, कंचे मारेगा, बीच में काम बराबर नहीं करेगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, कुछ ना कुछ वो शॉर्टकट मार देगा। ट्रैकिंग सिस्टम है तो उसको मालूम है अपने को रोकने वाला देखने वाला है, कैमरे है कि अपन चले गए यहाँ से तो कैमरे पकड़ लेगा कि भाई यहाँ से निकल गया आदमी, तो वो काम कैसे कर रहा है, जितने नंबर्स जो है वो नंबर्स ला रहा कि नहीं ला रहा, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, टाइम टू टाइम वो कर रहा कि नहीं कर रहा, ये ट्रैकिंग करने वाला वो सिस्टम होना जरूरी है, उसको बोलते टी। चौथा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक बार आपने ट्रैक तो कर लिया कि उसने गलती किया है, ट्रैक कर लिया, अभी उसके लिए उसको पनिशमेंट है। अच्छा, गलती नहीं किया, अच्छा किया, तो रिवार्ड है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों सिस्टम चल रही है, और वो अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, ताकि ट्रैकिंग करने के बाद में अकाउंटेबिलिटी, उसको मालूम है कि अपने को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद में अपने को भटके बैठने वाले हैं, पनिशमेंट होंगी, फाइन होगा, जो भी होगा, ऐसा रूल है कि भाई ऑफिस छोड़ के जाने का नहीं है, ऑफिस में बैठने का है, 8 घंटे की ड्यूटी है, तो बीच में आधा घंटा टिफिन या लंच मतलब लेना है आपको, बस उतना ही है, बाकी निकलना नहीं है, अपना जगह छोड़ना नहीं है, जगह पे चाय मिलेंगी आपको। और ये आदमी यदि छोड़ के चले जाता है तो कैमरे पकड़ लेंगे,
बोलता है ट्रैकिंग, और वो चले गया, कैमरे ने ट्रैक किया। अभी ट्रैक करने के बाद में अकाउंटेबिलिटी मतलब पनिशमेंट करने वाला होगा कि तुमने रूल तोड़ा कंपनी का, तुम निकल गए, कैमरे ने पकड़ा हुआ है, ट्रैकिंग किया हुआ है, अभी अकाउंटेबिलिटी वाला उसको फाइन देगा। तो इस तरह का ये होता है बस्ता बिजनेस में। इस तरह के आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको इसमें मिलेगा। हमारा यंग इंडिया बिजनेस क्लब है, उसमें हम लोगों को बिजनेस कोचिंग देते हैं, बिजनेस सिखाते हैं, बिजनेस ऑटो पायलट पर कैसे डालना, बिना आपकी उपस्थिति बिजनेस कैसे चलेगा ये सिखाते हैं, ताकि आप बिजनेस को स्केलअप कर सकें। क्योंकि आप यदि बिजनेस में काम करते तो बिजनेस स्केलअप नहीं होगा, आप बिजनेस के बाहर है तो बिजनेस स्केलअप होगा। तो ये वीडियो जरूर सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।